नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट आ चुकी है और दूसरी लिस्ट को लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है कांग्रेस पार्टी की, और संभावना ये है कि छत्तीसगढ़ की जो बची हुई 5 सीटें हैं उस पर आज नाम तय किए जा सकते हैं उम्मीदवारों के, या फिर घोषणा हो सकती है। लेकिन इस समय बहुत से संभावित नाम चल रहे हैं, उनको लेकर काफ़ी चर्चाएँ हैं कि शायद इनको हो सकता है कि टिकट मिले। और उन्हीं में से जो नाम चल रहे हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी इस बार जो बची हुई 5 सीटें हैं छत्तीसगढ़ के लोकसभा में, वहां पर उनको उतार सकती है। कौन कौन से है? पहला जो सीट छूटा हुआ है वो बस्तर से अभी वर्तमान में दीपक बैज जो कि सांसद है, सीटिंग सांसद है, उनके जो सीट है पशुपेश बना हुआ है कि उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगा। और भी कई दावेदार हैं जिनके नाम चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे लखेश्वर बघेल जो कि बस्तर विधानसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान में विधायक है कांग्रेस पार्टी के, और हरीश लखमा कवासी लखमा के सुपुत्र हैं, इनका भी नाम चल रहा है। तो यहाँ पर इन लोगों में से किनको टिकट देती है कांग्रेस पार्टी, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वहीं जो अगला लोकसभा सीट छूटा हुआ है छत्तीसगढ़ में वह बिलासपुर, और बिलासपुर से कहा जा रहा है कि यहाँ से कोई हो सकता है यादव समाज के किसी चेहरे को दिया जाए, जिसमें विष्णु यादव का नाम चल रहा है और देवेंद्र यादव का नाम सूची में चल रहा है। तो हो सकता है कि इनको टिकट मिले, लेकिन देखना यहाँ भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किनको आखिरकार कांग्रेस पार्टी भरोसे के साथ टिकट देती है। और कांकेर की बात की जाए तो 2019 में जो चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीरेश ठाकुर, उनको इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी रिपीट कर सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लिस्ट में संभावित जो चेहरे हैं उनमें उनका नाम है, और नरेश ठाकुर का भी नाम चल रहा है। बीरेश ठाकुर और नरेश ठाकुर, इन दोनों का नाम कांकेर लोकसभा क्षेत्र से चल रहा है। वहीं सरगुजा की बात की जाए तो सरगुजा में तुलेश्वर सिंह जो कि पहले मंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, उनकी जो सुपुत्री है शशि सिंह, इनका नाम चल रहा है। तो महिला उम्मीदवार को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। वहीं अगर रायगढ़ की बात की जाए तो रायगढ़ से लालजीत सिंह राठिया का नाम चल रहा है, और चक्रधर सिदार, ये दो नाम हैं जो रायगढ़ लोकसभा सीट से चल रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इन चेहरों को मौका दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपनी सीट का अनाउंसमेंट पूरे 11 की 11 लोकसभा सीटों में कर चुकी है। अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस पार्टी जो बची हुई 5 सीटें हैं उनमें किनको उतारती है।